हकीकत में फेफना विधानसभा क्षेत्र के पंचखोरा में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये लोग उपेंद्र तिवारी, मंत्री उपेंद्र तिवारी के समर्थक हैं। उनके सम्मान में जन विश्वास यात्रा आ रही है उनके मैदान में, इसलिए उनके स्वागत में आप लोग खड़े हैं। आइए बात करते हैं कि फेफना की राजनीति में, खास तौर पे फेफना की राजनीति में जन विश्वास यात्रा कितना सफल होगा, यहाँ के लोग किस तरीके से जन विश्वास यात्रा का स्वागत करेंगे। यहाँ के उपेंद्र तिवारी चूँकि क्षेत्रीय विधायक हैं और योगी सरकार में, उन तमाम को लेकर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कितना कामयाब होगी और कितना सफल रहेगी। आगामी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जैसा कि ये जानकारी मिल रही है कि जनवरी में खास तौर पे अधिसूचना जारी हो सकती है। अधिसूचना जारी होगी और उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, बलिया में किस चरण में होगा ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई भूचाल आने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टी चुनाव मैदान में होंगे और रोचक मुकाबला होगा। बात करें फेफना विधानसभा क्षेत्र का पंचखोरा, जहां प्रदेश सरकार के, योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के भाई कमलेश तिवारी मौजूद हैं, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जन विश्वास यात्रा का स्वागत में खड़े हैं। आइए बात करते हैं कि फेफना की राजनीति में क्या बेहतर अच्छा हुआ जो जनता के लिए बहुत ही रोचक रहा। आज खासतौर पर जन विश्वास यात्रा के स्वागत में खड़े हैं, तो जन विश्वास यात्रा क्या पैगाम दे जाएगा? हमारी फेफना विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री उपेंद्र तिवारी के हर नीतियों से काफ़ी संतुष्ट है और संतुष्ट होने के कारण जो जन विश्वास यात्रा है उसको स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हर सुविधाओं को भारतीय जनता पार्टी और हमारे मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, जो भी जनता कही है हर व्यवस्था दिया गया है, इससे जनता संतुष्ट है और उसके चलते जन विश्वास यात्रा की स्वागत करने के लिए तैयार है। नहीं, कहीं ना कहीं ये आता है कि फेफना विधानसभा आज भी विकास से बहुत कोसों दूर रह गया, क्या इस पर कहना, ये सही है गलत कह रहे हैं लोग? अरे आज जितना विकास फेफना विधानसभा का हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि या तो बनारस में या गोरखपुर में, पूर्वांचल में या तो बनारस में हुआ या गोरखपुर में या फेफना विधानसभा में। 5 पुल दिया गया है, अभी पानी की व्यवस्था में बलिया जनपद में 3 व्यवस्थाएँ मिली है, जिसमें हमारे कपूरी गांव विधानसभा फेफना में कपूरी गांव है, वहां पर पानी ट्रीटमेंट प्लांट है, एक राजकीय बालिका विद्यालय की स्थापना हो गई है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात चल रही है, तमाम चितबड़ा गांव में, रामपुर चीत में, नरही में, कथरिया में हम 5 पुल दे दिए हैं, तमाम बहुत सुविधाएँ दी गई है। अभी मेडिकल हॉस्पिटल फेफना में एक नया शिलान्यास, दावा है कि फेफना विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है अभी तक गोरखपुर और बनारस में ही है, बाकी कहीं नहीं। हाँ, पूर्वांचल में या तो गोरखपुर में हुआ है या बनारस में हुआ, उसके बाद तीसरा नंबर है तो फेफना विधानसभा। बाकी तो 7 विधानसभा है, उसमें 7 विधानसभा देखा जाए तो फेफना में सबसे बेहतर हुआ है। उसको तो हम लोग बुकलेट छाप करके सब जनता के बीच में। जी, आपका कहना है, आप उपेंद्र तिवारी के भाई हैं जो योगी सरकार में मंत्री हैं, कि पूर्वांचल में बनारस, गोरखपुर के बाद बलिया की बात करें जहां 7 विधानसभा है, उसमें फेफना विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो जिले के 7 विधानसभा में वैसा विकास नहीं देखेगा, खास तौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात कहा कि मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, हर क्षेत्र में फेफना विधानसभा क्षेत्र आगे, जैसा कि कमलेश तिवारी जी का दावा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।